तो हाय नमस्कार, जय हिंद जय भारत दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? तो चलिए, अप्रैल का महीना चल रहा है और बात करें अपने गार्डन के रिव्यू की। तो ये जो फूल है ये एक बार खिल के ख़त्म हो चुका है, तो मैंने इसको फेंका नहीं, मतलब इसको थोड़ा सेमी शेड एरिया में रख के उसको लगातार पानी देता रहा और ये दोबारा खिलना शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, इसका दूसरा गमला है यहाँ पे। और ये मतलब तीन कलर के थे तो तीनों का वो था। ये जो इसके ये जो सीड देख रहे होंगे आप, ये पहले जो खिले थे उसके सीड्स हैं, और इसी सीड से फिर अगले साल के लिए आप अपने सीडिंग कर सकते हैं। इससे अक्टूबर में इन बीजों को संभाल के रखिए और अक्टूबर में फिर लगाइए। हम लोग क्या है ना, थोड़ा जल्दबाजी करते हैं कि फूल ख़त्म हो गए तो फूलों को निकालो और फेंक दो, मगर नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए। फूल में आपके फूल दोबारा आते हैं। और ये देखिए, पहला जो वो था इसका पूरा फूल ख़त्म होने के बाद ये दोबारा आया है। और बात करेंगे कटिंग प्लांट की, तो ये कटिंग फ्लावर है मेरे, और ये कटिंग से तैयार किए हुए, इस साल की कटिंग है ये। और ये दो कलर में है, एक ये है और दूसरा आपका ये है। तीसरा कलर भी है मगर वो थोड़ा छोटा है इससे। तो तीसरा कलर ये है और इसके फूल थोड़े छोटे हैं। गमले में लगाया अभी हाल फिलहाल में, और एक महीने के अंदर ही इसके ये फूल आ चुके हैं इसमें। और ये कलियाँ, कुछ एक नए किस्म भी अभी हमने कटिंग से ग्रो करना शुरू किया है। इस कलर का मेरे पास था नहीं और ये फर्स्ट है जो अभी कटिंग से ग्रो कर रहे हैं इसको। तो ये देखें गुलाब में, अभी जब पिछली बार आपको वीडियो देखा होगा आपने तब इसमें फूल एक ही था और अभी इतने फूल आ चुके हैं इसमें कलियाँ। और इधर तो ये गुलाब जितने भी हैं ये सब हमने कटिंग से ग्रो किए हुए हैं, और टाइम लगता है, 3 साल लग गया मेरे ख्याल में इसको, और 3 साल में अभी रिजल्ट ये है। तो इधर ये कट्टों में हमने लगाए हैं मिर्च के पेड़ और उसकी कटिंग कर दी थी। क्या था कि हमने उसको पिंचिंग कर दिया था तो पेड़ अभी फैल गया है। और अब इसमें ये है शिमला मिर्च है, और शिमला मिर्च अब लगना शुरू होगा। थोड़ा डिले किया ताकि लेट तक हमें शिमला मिर्च मिल सके। यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्रैल के महीने में भी आपका ये गुलदाउदी जो है ये खिलने के बाद कटिंग कर दिया था हमने और पूरे काट दिया था। काटने के बाद इसको हमने सेमी शेड एरिया में रखा हुआ है, पेड़ के नीचे, सेमी शेड एरिया तो नहीं है, पेड़ के नीचे रखा है और लगातार देखभाल कर रहे हैं इसकी। और ये देखिए अभी कल ही आके यहाँ फूल भी खिलना शुरू हो चुका है, और ये इसका सेकेंड लॉट बोल सकते हैं, सेकेंड लॉट की कलियाँ आई है और हर एक उसमें कली आने, दोबारा कली आने शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे टमाटर मतलब अभी बोलते हैं ना वो घर वाले तोड़ तोड़ के परेशान हो गए, मगर टमाटर कंटिन्यू अपना
फ्रूटिंग में है और लगातार हम तोड़ रहे हैं इससे। मेरे ख्याल में 15-20 किलो के ऊपर तोड़ चुके हैं और अभी भी इसमें टमाटर हैं और लगातार पक रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं इसमें से 3 किलो जितना टमाटर तोड़ा है मैंने। अभी इसके फूल अभी थोड़े छोटे हो गए क्योंकि अभी खाद वगैरह नहीं दे रखा इसको, अब नेक्स्ट ईयर के लिए हम रोक रहे हैं। ये अभी अक्टूबर की लगाई हुई गुलाब की कटिंग है जो ग्रो कर रही है, और ये कटिंग है जो अभी मैंने मैंने आप लोगों को बोला है कि तकरीबन प्लांट में कटिंग से ग्रो करता हूँ और ये कटिंग से ही ग्रो कर रहे हैं हम। और ये पूरे कटिंग है जो अभी हाल फिलहाल 1 महीना हुआ है इन लोगों को, इन कटिंग को लगाए हुए हमने। तो ये आप देखेंगे, ये है आपके स्ट्रॉबेरी का प्लांट है ये, और क्योंकि स्ट्रॉबेरी मेरे को लगानी नहीं आती थी तो मैंने बाज़ार से स्ट्रॉबेरी लाके उसके बीज निकाल के उसको 2-3 दिन सुखाने के बाद फिर उसकी सीडिंग की और रिजल्ट बेहतरीन है। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट इस साल तो खैर फल नहीं लगेगा, मगर अगले साल के लिए मैं इनके प्लांट को तैयार कर चुका हूँ। कुछ नए प्लांटों की भी कटिंग ग्रो करने शुरू किया है हमने, ये अभी हाल फिलहाल में ग्रो किया है इसको, और ये कटिंग अभी हमने 1 महीना हुआ है लगाए हुए। और ये देखिए इसमें फूल भी आ चुके हैं, और अभी कटिंग कितनी छोटी है मगर फूल देखिए कैसे भर के आ रहे हैं। और यहाँ मेरा अडेनियम भी अपनी कली निकाल चुका है, और इसका इंतज़ार है मुझे क्योंकि कैसे कलर का है ये मैंने सीड मंगा के उसको उगाया है, तो ये कैसे कलर का खिलेगा इसका मुझे भी इंतज़ार है। और अब धीरे धीरे पिटोनिया ख़त्म होने लग रहे हैं कुछ, आप देखेंगे ये मेरी वाइफ की कलाकारी है, उन्होंने ये बांस के अंदर भी लगा रखे हैं, ये बांस के अंदर जो मट्टी भर के ये लगाया हुआ है उन्होंने, और देखिए छोटे छोटे फूल हैं मगर कितने अच्छे और बेहतरीन फूल आ रखे हैं। यहाँ कुछ आपको जरेनियम की किस्में हैं, और अब ये पिटोनिया भी अब एंडिंग में है, और ये देखिए ये मिनी गुलाब है और कली आप देखेंगे इसमें मेरे ख्याल में 150 के आसपास कली होंगी इसमें, और ये है इसका गुलाब जो अब खिलने शुरू हुए हैं। यहाँ पे अडेनियम के ये जो मेरे प्लांट है ये हैं, और कुछ कटिंग मैंने लगाई है मगर गर्म ज़्यादा होने की वजह से शायद एक कटिंग ग्रो किया है मगर बाकी कटिंग ग्रो नहीं कर पाए हैं। और ये कुछ आपको दिखेंगे सकुलेंट की किस्में, तो ये है गर्म सीजन के फूल, और गर्मी में ग्रो करिए इनको। ये देखिए ये प्लास्टिक के डब्बों में काट के लगाया है, ये दूसरे फूल के जो सीड गिरे होंगे इसमें गमले के ऊपर, तो दूसरा फूल का सीड निकल चुका है, ये वाला फूल है, ये वाला फूल है, अभी फूल छोटे हैं। और इसमें जो इसका पुराना जो पेड़ था वो निकाल के हमने हटा दिया है मगर बीज इतने गिरे इसके अंदर की, ये देखिए दोबारा इसने प्लांटिंग शुरू कर दिए। तो स्ट्रॉबेरी के सीडिंग मैंने इस ट्रे में की है और निकल रहे हैं छोटे छोटे, कुछ शिफ्ट कर चुके हैं जो आपने देखा है या देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बेहतरीन भर के फूल आ रखे हैं हमारे गुलदाउदी में, और ये घर के पीछे है हमारे। और आशा है दोस्तों जो मेरे गार्डन का रिव्यू है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बस अपना प्यार सपोर्ट देते रहें। मिलेंगे ऐसी ही वीडियो ऐसे ही टॉपिक के लिए, नेक्स्ट टॉपिक कोशिश करूँगा कि
स्ट्रॉबेरी को मैंने कैसे तैयार किया है वो बताने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। तो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।